प्रणाम घनघोरी माता। माता मेरी ना बहुत बड़ी समस्या है। बोलो क्या समस्या है तुम्हारी? मुझे दूसरा बॉयफ्रेंड चाहिए। यहाँ हमारी एक नहीं पट रही। मेरा मतलब है क्या परेशानी है तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड से? वो धीरे धीरे टकला होते जा रहा है। अब मुझे उसके साथ नहीं रहना, मुझे हैंडसम घने हेयर स्टाइल वाले के साथ रहना है। ये टकलेपन की मारी तू बाल से प्यार करेगी कि इंसान से प्यार करेगी? इंसान के दिल से प्यार करेगी? तो दिल तो शरीर के अंदर होता है माता जी, लेकिन बाल तो बाहर होता है। जो दिखता है वही बिकता है। थोड़ा साइड होके बैठ जा, एक साथ सबका इलाज करूंगी। घनघोरी माता की जय। घनघोरी माता की जय। हाँ बालिके बोल, तेरी क्या समस्या है माता जी? मोरी मैया, मैं इधर हूँ इधर। उधर क्या देखिए सी? यही मेरी समस्या है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। हाँ मैं पहले ही समझ गई थी, तुम भी साइड में बैठ जाओ। जय हो माता रानी की, जय हो माता रानी की जय। तुमको कैसे पता चल गया मैं रानी है? मुँह से निकल गई। अच्छा लो बताओ तुम्हारी क्या समस्या है माता घनघोरी? हमारा दिल हमारे बस में नहीं रहता, बहुत जोर जोर से और जरूरत से ज्यादा धड़कता है। आजकल की छोरियों की क्या समस्या है बाबा? लो तुम भी साइड में बैठ जाओ। नेक्स्ट। जयराम जी की घनघोरी माता। जयराम काका, जयराम तन्ने क्या समस्या है? मन ने अमर होना है माता। माता मैं अभी तो मात्र 93 साल का हूँ, मुझे 70-75 साल और जीना है। मुझे कुछ ऐसा दवा दो कि मैं लंबे समय तक धरती पर टिक सकूं। ओ काका जी, इतने साल जी तो लिए और आगे जी के क्या करना है? देख नहीं रहे हमारे देश में कितना बेरोजगारी है? हमको देखो, हमको अघोरी बन के बैठना पड़ रहा है। अघोरी नहीं घनघोरी। बड़ा तेज है बुढ़ा। अरे काका पहले ये बताओ, दुनिया में जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? कैसे जियोगे और इतने साल? क्या चिंता माता घनघोरी, जब यूट्यूब है जिंदा, करके व्लॉग बनके व्लॉगर, अब तक हूँ मैं जिंदा। लगता है काका बहुत नोटे छाप रहे हैं और एक हम है जो माई फर्स्ट व्लॉग करते करते घूम रहे हैं। ठीक है काका, मैं आप सबको एक ऐसा फल देती हूँ जिसको खाने से आप सभी की परेशानियाँ एक साथ दूर हो जाएंगी। तो हम लोग की प्रॉब्लम तो अलग अलग है माता, आपका एक फल कैसे हमारी परेशानी दूर करेगा? माता घनघोरी तुम हो कि हम? आप। तो इलाज कौन करेगा, तुम कि हम? आप। तो चुपचाप इलाज करने देना यार। सॉरी। हाल तू का ट्रैक से भटका देती है मेरे को। ठीक है सॉरी। अभी माता बनी हूँ, माता हूँ मैं अभी। तो चलो सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करेगा, कोई आंखें नहीं खोलेगा। मैं जादू से ऐसे जादू करके अपने हाथों में प्रकट करती हूँ उस फल को। ठीक है सब आंखें बंद कर लिए? अच्छे से आंखें बंद करो, अच्छे से, और बोलो सबके सब बोलो, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। आएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। चलो सब लोग बैक साइड देखो सब लोग। अभी मंत्र मेरे गले में अटका हुआ है, जब तक मंत्र कंप्लीट नहीं होगा कोई आंखें नहीं खोलेगा। और बाया तरफ मुंह करके बैठ जाओ।
हो रहे ये लो तुम सबकी दवा, इसका नाम है अमृत फल। अमृत फल इसको खाने से तुम सब की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, समझे? तुम्हारा बॉयफ्रेंड बाल वाला हो जाएगा, तुम अच्छे से देखने लगोगी। अभी फिलहाल चश्मा लगा लो। काका तुम्हारे पास 2-4 साल और जीने की शक्ति आ जाएगी, ठीक है? तो चलो इस फल को सब के सब लोग खा लो, ठीक है? माता ये तो खत्म हो जाएगा जल्दी। अब खत्म हो जाएगा तो दुकान से नहीं खरीद सकते यार तुम लोग, तो मुझे खुद अच्छे से रेसिपी बनानी नहीं आती, देख यूट्यूब से देख देख के बनाएंगी। बना लेता ना अपने से, ठीक है? बताना पड़ेगा। फीस लगेगी, फीस दोगे? फीस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब कर देना, ठीक है? बताती हूँ। देखो पहले ना आंवला को स्टीम कर लेना या थोड़ा सा उबाल लेना, उसके बाद ना इसमें जरा भी मॉइस्चर मत रहे ऐसे एकदम इसको सुखा देना हवा में, है ना? और एक अगर सूती के कपड़े से पोंछ लेना, है ना? पोंछ ली, सूख गया, उसके बाद जितना आंवला है ना उतना या तो शक्कर या तो गुड़ या तो दोनों मिक्स करके मिला देना, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद उसको लो फ्लेम में ना गैस पे चढ़ा देना, ठीक है? गैस पे चढ़ा दिया, उसके बाद ना थोड़ा सा चम्मच चलाते रहना, नहीं तो जल जाएगा। और जल गया फिर मैंने बोला कि अच्छा नहीं लग रहा है बोलते, फिर धीरे धीरे उसमें ना उसका ये थोड़ा सा चाशनी बनते जाएगा, उसी चाशनी से ये आंवला पक जाएगा। आंवला पक गया, आंवला पकेगा और ऐसा ना थोड़ा सा ना ऐसे गुलाब जामुन टाइप का दिखेगा, तब समझ जाना कि आपका ये डिश तैयार हो गया, ठीक है? तो अब अपने से बना लेना ना, बहुत महंगा पड़ता है हमारे साइड, ला लेना। तो आप सबको भी सॉरी दोस्तों, तो मेरे शिष्यों आप सबको भी किसी भी टाइप का परेशानी है आंवला बनाओ और खाओ, सीजन चल रहा है, ठीक है? सीजन खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा, मिल रहा है तो उसका फायदा उठा लो ना, बना के थोड़ा भी रख सकते हो इसको, चलेगा। पेट खराब है, पेट भी सही हो जाएगा, स्किन खराब है वो भी सही हो जाएगा, बाल झड़ रहा है वो भी सही हो जाएगा, क्या कुछ सही नहीं होता, हर चीज़ मैं ही बताते रहूँगी, गूगल में सर्च मार के देख लो ना यार, हैं? लो इसका थोड़ा सा सिनेमैटिक दिखा देती हूँ कैसा दिख रहा है, ठीक है? बाय।